ज्वाइन करो हमारे टेक्स्ट स्टैंडर्ड को, पाओ सारे क्वालिटी वीडियो बिना किसी देरी के। If ever I had a video, वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। रुको रुको रुको, ना किसी लड़की ने लूटा, ना किसी लड़के ने लूटा, लूटा है हमारे अपने चहेते एप्पल ने, जो आईफोन की नई 3 सीरीज के साथ एप्पल मार्केट में फिर से आया है। और आईफोन ने 3 जो सीरीज लॉन्च किए, आईफोन XS, आईफोन XS मैक्स और XR के नाम से। और गाइस ये तीनों फ़ोन आईफोन 10 के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, बस थोड़े से चेंजेस है। जैसे इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा इनका जो अपना है 812 जो प्रोसेसर चिपसेट जो यूज़ करती है अपनी आईफोन में एप्पल, वही इनका प्रोसेसर इसमें यूज्ड है। और गाइस इसमें कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो है वो भाई सही में पैकेट हिला देने वाली है, बैंक अकाउंट खाली करने वाली है। तो गाइस जो सबसे महंगा इनका जो आईफोन है, और गाइस सबसे पहले जो मार्केट में कोई भी एप्पल का फ़ोन आता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि भैया कितना महंगा इस बार रखा गया। तो इस बार इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। जो इनका सबसे महंगा फ़ोन है वो है 144,000 रुपये की, मतलब कि मान के चलो तो 1.5 लाख का एक फ़ोन। भाई उतने में तो कोई एक गाड़ी ले ले, एक से हमारी नैनो आ जाएगी भाई उतने में। और गाइस 1 लाख 1.5 लाख लगा के आप एक फ़ोन लोगे, तो गाइस बताना ये ज़रूर कि कितने लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहोगे। और इनके जो 3 वेरियंट आए उसमें इनका सबसे लो मॉडल है 10R, वो $799 की है, और फिर XS जो $999 की है। तो गाइस इन्होंने सिंपल ही इंडियन मार्केट में इस फ़ोन को लाते हुए 40% एक्स्ट्रा मार्जिन जो US पे है विदाउट टैक्सिंग, ये आपको प्राइस है $799 और $999, उसमें जितने भी प्राइसिंग विदाउट टैक्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो सीधे एप्पल ने समझ लिया कि इंडिया की जो मार्केट है अब उसमें आप इंटर कर रहे हो। तो अभी तो इंडिया के कुछ डॉलर के हिसाब से इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है थोड़ी डाउन है 71 point something, बट इन्होंने सीधे समझ लिया कि भैया 100 रुपये $1 के तो वो हमसे चार्ज करेंगे। हाँ तो इसमें इंक्लूडिंग टैक्स होंगे, बट भाई इतना कि जो इनके सबसे छोटे वाली फ़ोन है वो आपको 90,000 से स्टार्ट होती है। और आईफोन 10 को इन्होंने अब आगे कंटिन्यू करना बंद कर दिया, बिकॉज अगर वही फ़ोन लेते तो बिना कोई स्पेसिफिकेशन के वो फ़ोन लेता ही कोई क्यों, तो आईफोन 10 ही सब लेते और नए फ़ोन्स की तो मार्केट में डिमांड नहीं रहती। और गाइस दुख उन लोगों के लिए जो आईफोन ले लिए और उनका डोंगल यहाँ से चोरी हो गया, सोच रहे कि अगर उनके पास बहुत अच्छे आप ले रखे हो JBL के स्पीकर्स या हेडफोन्स, अगर आप सोचे उसमें अटैच करेंगे, तो भाई दुख खबर ये है आपके लिए कि आपको इसमें डोंगल देखने को नहीं मिलता जो आईफोन 10 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो गाइज अब ये बताना ज़रूर कि अब इस फ़ोन को लेना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्योंकि 1.5 लाख जिसमें नोट 9 अगर हम लेने जाते हैं तो 67,900 हमारा 182 GB का पड़ रहा है। तो आप बताओ इसमें 2 नोट 9 लेने के बाद भी ये फ़ोन की उतनी वैल्यू हो नहीं रही, तो आप बताओ ज़रूर कि इसमें लेना ये सही है या नहीं, क्योंकि यार 1.5 लाख मायने रखता है किसी किसी के लिए। तो बस यही है आज का, और आप बताना प्लीज़ वीडियो को लाइक। थैंक यू।